दोस्तों, अगर आप लैपटॉप खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके लिए मैं कुछ ऐसे टिप्स लेकर आया हूँ जिससे आपको उसे खरीदने में आसानी हो जाएगी और आप चूज़ कर पाएंगे कि मेरी ज़रूरत के हिसाब से कौन सा लैपटॉप बेस्ट रहेगा। आमतौर पर क्या देखा गया है कि जब भी आप ऑनलाइन, आजकल तो ऑनलाइन ही ज़्यादा खरीदे जाते हैं, मैंने भी अपना लैपटॉप ऑनलाइन ही लिया, तो ऑनलाइन पे आपको इतने ऑप्शंस मिल जाते हैं तो कई बार आप सोच में पड़ जाते हैं कि यार कौन सा लो, क्योंकि जहाँ आप उसे फाइनल करने वाले होते हैं तभी आपको एक स्क्रीन पे दूसरा लैपटॉप भी दिख जाता है जिसमें उससे बेहतर फीचर्स मिल जाते हैं। तो मैं यहाँ आपकी पूरी हेल्प करूँगा लैपटॉप चूज़ करने में और आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक दूंगा जिससे आप समझ पाएँ कि आपको किस तरह का लैपटॉप चाहिए। आमतौर पर क्या होता है, आजकल ज़्यादातर लोग ऑनलाइन वेबसाइट से ही अपने मनपसंद लैपटॉप खरीदते हैं क्योंकि ऑनलाइन वेबसाइट पे उन्हें इतने सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, पर लेकिन कभी कभी लोग बस डबल माइंड हो जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं इतने सारे ऑप्शंस देखने के बावजूद कि मेरे लिए कौन सा बेस्ट है। ऐसे में सही लैपटॉप का चुनाव करना थोड़ा सा यहाँ मुश्किल हो जाता है। तो आप चिंता ना करें, कोई भी लैपटॉप खरीदते हुए उसकी पांच चीज़ें हमेशा ध्यान रखें। सबसे पहले उसकी स्क्रीन, आमतौर पर स्क्रीन 15 इंच से लेकर 17 इंच तक के लैपटॉप बिल्कुल सही रहते हैं। फिर बात करेंगे रैम, रैम 2 GB से लेकर 8 GB तक के रैम मिलती है। फिर हार्ड डिस्क, स्टोरेज और उसका प्रोसेसर, और लास्ट में बात करेंगे बैटरी बैकअप की। तो सबसे पहले स्क्रीन की बात कर लेते हैं। स्क्रीन का लैपटॉप जो होता है उसमें आपको जो आमतौर पर मिलती है वो 15 से 17 इंच की स्क्रीन लैपटॉप में देखने को मिल जाती है, उससे कम भी होती है। पर अगर आप स्क्रीन अपने घर के लिए ले रहे हैं जिसमें आपको फिल्म देखना, पेंटिंग का काम करना या फोटो एडिट शॉप ये सब चलाना है, वीडियोग्राफी का अगर कोई भी काम करना है उसमें आपको, तो मेरी सलाह होगी कि आप 15 से 17 इंच का लैपटॉप लें, बड़ी स्क्रीन का। लेकिन अगर आप ऑफिस के लिए लैपटॉप लेना चाहते हैं, आपको ऑफिस का वर्किंग ज़्यादा है, तो मेरी सलाह होगी आप 15 इंच या उससे थोड़ा सा कम का भी अगर मिलता है तो वो वाला लैपटॉप लें। रीज़न क्या है, क्योंकि आपको अपना लैपटॉप खाली घर पे ही नहीं रखना है, आपको उसे ऑफिस में लेके जाना पड़ सकता है प्रेजेंटेशन देने के लिए एक शहर से दूसरे शहर, कुल मिला के आपको उसे साथ में ट्रैवल में लेके जाना पड़ेगा, तो जितना छोटा होगा आपके लिए उतना कंफर्टेबल रहेगा। उसके बाद बात करते हैं रैम की। मोबाइल की तरह दोस्तों लैपटॉप में भी जितनी ज़्यादा रैम होगी लैपटॉप उतना ही अच्छा होता है। हल्के फुल्के काम के लिए आप 2 से 4 GB रैम तक के लैपटॉप ले सकते हैं, अगर आपको उसमें कोई हाई प्रोफाइल गेम नहीं खेलने हैं, ग्राफिक्स वाले गेम्स नहीं खेलने हैं, आपको इतनी SD मोड की ज़्यादा, आप वीडियो बहुत कम देखना पसंद करते हैं, आपने खाली एजुकेशन पर्पज़ से लिया हुआ है, तो मेरी सलाह यही होगी कि आपके लिए फिर 2 से 4 GB तक के रैम के लैपटॉप सही रहेंगे। बट अगर आपको उसमें हैवी सॉफ्टवेयर्स चलाने हैं, कंपनी का डाटा ज़्यादा रखते हुआ आप, और आपको अधिकतर प्रोग्रामिंग्स के आपके काम होते हैं उसी के अंदर, हाई ग्राफिक्स गेम्स खेलते हैं या फुल HD मूवी देखना पसंद करते हैं, तो ऐसे में आपके लिए 8 GB रैम वाले लैपटॉप ज़्यादा बेस्ट रहेंगे। अब उस बात करते हैं प्रोसेसर की। लैपटॉप में अपना काम को तेज करने के लिए लैपटॉप में एक अच्छा प्रोसेसर होना ज़रूरी होता है। लैपटॉप में तेज स्पीड अगर आपको चाहिए तो आज के टाइम में आधुनिक कोर के कोर i3, कोर i5 और कोर i7 जैसे प्रोसेसर वाले लैपटॉप मार्केट में हैं। अगर आपका बजट कम है तो ऐसे में Pentium प्रोसेसर सही रहता है। अब बात करते हैं हार्ड डिस्क की। हार्ड डिस्क का भी एक नया अपडेट वर्जन आ गया है जिसे SSD स्टोरेज कहते हैं। हालांकि इसमें हार्ड डिस्क की तुलना में कम स्टोरेज मिलता है, लेकिन इसमें फास्ट और रिस्पॉन्सिंग स्टोरेज मिलती है। इसकी कमी, आप अगर आपको ज़्यादा स्टोरेज चाहिए तो आप पोर्टेबल हार्ड डिस्क यूज़ कर वो कमी पूरी कर सकते हैं, और वहीं हार्ड डिस्क स्टोरेज आपको इसमें 500 GB से लेकर 1 TB तक आपको मिल जाएगी। बैटरी की बात करते हैं, लैपटॉप की बैटरी भी अलग अलग पावर बैकअप के साथ आपको देखने को मिलती है। जो लैपटॉप्स आते हैं उसमें डिफरेंट बैकअप्स होते हैं, तो ऐसे में अगर आपको अपना लैपटॉप का अच्छा बैकअप चाहिए तो 6 से 8 घंटे वाले नॉर्मल जो हैं, 6 से 8 घंटे के बैकअप वाले लैपटॉप अच्छे होते हैं। अगर आप ट्रैवलिंग में ज़्यादा रहते हैं या ट्रैवलिंग में लेना
लेके जाते हैं तो आपके लिए 6 से 8 घंटे वाले लैपटॉप ज़्यादा बेस्ट रहेंगे। बाकी अगर आप घर पे रहते हैं तो आप उसे पूरा दिन उसे प्लग करके चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कुछ खास बातें थी जो मैंने आपको बताई। आशा करता हूँ कि अब आपको पता लग जाएगा आपके लिए कौन सा लैपटॉप ज़्यादा बढ़िया है। थैंक यू।